दिल्ली हाट जाने के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन जो पड़ेगा मेट्रो का वो होगा दिल्ली हाट। मेट्रो स्टेशन से जो दिल्ली हाट है वो एकदम पास में ही है, तो आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वहाँ जा सकते हैं। और ये दिल्ली हाट का देखिए फ्रंट है जहाँ से आप लोग एंट्री करेंगे, और इधर साइड में यहाँ पर टिकट काउंटर्स हैं जहाँ से हम लोग दिल्ली हाट में जाने के लिए टिकट ले सकते हैं। दिल्ली हाट के एंट्री गेट के राइट साइड में ही टिकट काउंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ से टिकट ली जा सकती है। तो अगर टिकट की प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो पर अडल्ट जो टिकट का रेट है वो है ₹30 एक अडल्ट के लगते हैं, और अगर बच्चों की बात करें तो 5 से 12 साल के बच्चों के लिए ₹20 की टिकट है। वहीं जो फॉरनर्स हैं उनके लिए पर टिकट ₹100 की पड़ती है। तो चलिए हम लोग टिकट ले लेते हैं और चलते हैं दिल्ली हाट के अंदर। यहाँ से टिकट लेने के बाद ये है दिल्ली हाट का एंट्री पॉइंट जहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं दिल्ली हाट के लिए। यहाँ पर आप लोग सिक्योरिटी चेक के बाद दिल्ली हाट के लिए एंट्री करेंगे और यहाँ से आप दिल्ली हाट के अंदर जा सकते हैं। और ये है दोस्तों, दिल्ली हाट के अंदर एंट्री करते ही आपको बहुत सी शॉप्स देखने के लिए मिल जाएंगी जहाँ पर हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो बिकती हैं, पेंटिंग्स हैं, मधुबनी आर्ट है और भी तरह तरह की आर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स को जो रिप्रेजेंट करती हैं वो सब हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। सेम के पत्ते, घास के पत्ते और बाहर के फूल का पत्ता और इसके रंडी जो होती है ना वो होती है सर उसके पत्ते बहुत। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम दिल्ली हाट में आगे बढ़ते हैं बहुत सी शॉप्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ कारपेट्स की शॉप है जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मधुबनी पेंटिंग्स के बहुत से स्टॉल्स थे जहाँ पर बहुत सी पेंटिंग्स थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं जहाँ पर बांस से बनी हुई चीज़ें रखी हुई थी। बांस के द्वारा बनाई हुई बहुत ही प्यारी प्यारी और क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, रियली वेरी ब्यूटीफुल दृश्य था वहाँ का। तो अगर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट का शौक रखते हैं तो ये प्लेस आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट से बनी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम लोग आगे दिल्ली हाट में घूमते हैं और एक क्विक टूर ले लेते हैं दिल्ली हाट का। कौन सी पेंटिंग है ये? उड़ीसा की पेंटिंग है। यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट सब कुछ देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि शाम के समय आप लोग यहाँ पर आए, क्योंकि दिन में धूप बहुत ज़्यादा होती है और शॉप्स भी उतनी नहीं खुली हुई हैं, पर शाम में यहाँ काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है और यहाँ पे आप बहुत कुछ इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी धूप थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर भी घूमते हुए हम लोग काफ़ी थक चुके थे। और दिल्ली हाट जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए आप कोशिश करिए कि शाम को ही वहाँ पर जाएं। आगे हम लोगों ने बहुत से घर को सजाने वाली चीज़ों को भी देखा, बहुत सी ऐसी आइटम्स थी जो हमारे घर के डेकोरेशन में यूज़ होती हैं वो सब उपलब्ध थी। हमने कुछ चीज़ों को लिया भी और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे। थकान के कारण अब भूख भी लगने लगी थी, इसलिए अब हम लोगों ने सोचा कि चला जाए फूड स्टॉल्स की तरफ। तो हम लोगों ने कुछ सामान लेने के बाद फूड स्टॉल का रुख किया। फूड स्टॉल पर हम लोग कुछ देखने लगे कि क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं, अलग अलग जो भोजन हैं वहाँ के व्यंजन हैं वो आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बिहार की रसोई भी देखने के लिए मिल जाएगी। पहली बार आप देख रहे होंगे बिहार की रसोई एक सरदार जी के द्वारा चलाई जा रही है। हम यहाँ फूड स्टॉल्स की तरफ आ गए हैं। फूड स्टॉल्स में आपको अलग अलग स्टेट्स की फूड्स की स्टॉल्स मिल जाएंगे, जैसे बिहार की रसोई हो गई, इधर आगे मणिपुर की रसोई है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मणिपुर का मिल जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग जो स्टेट्स हैं भारत के, अलग अलग राज्य हैं वहाँ के, अलग अलग जो व्यंजन हैं उनका लुत्फ आप यहाँ पर आकर उठा सकते हैं यहाँ के फूड स्टॉल से। तो दोस्तों, पेट पूजा करने के बाद हम लोग चल पड़े दिल्ली हाट से बाहर की ओर। तो ये है दिल्ली हाट का एग्जिट पॉइंट। दोस्तों, दिल्ली हाट का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।